हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एल आर एन आर क्लासेस। तो आम पूर्व भिडियो उद्भिदर श्वसन क्यों क्यों अंश गुड़िक रही उद्भिद क्यों क्यों अंश द्वारा श्वसन करता है, प्राणी मान शरीर में क्यों क्यों अंश गुड़िक रही है, प्राणी मैंने किपर श्वसन करोचना करते। तो आज आम पढ़ा जैविक जारण। तो प्रथम जाणी जारण कौन, समस्त जानते जारण मान कौन ना दहन। तो यह दहन प्रक्रिय कौन होता है ना, यह दहन प्रक्रिय अम्लजान सहायक होता है एवं यही दहन होगा बेले से कौन निर्गत होता है, तापशक्ति निर्गत होता है। तो दहनता बा जारणता आम जान लें। तो ये देखा जैविक जारण क्या कहा जाए ना, जीव मान शरीर में होता दहन प्रक्रिया को जैविक जारण बोली कहा जाए ना। जो प्रक्रिय कौन हुए ना, प्राणी मान शरीर में जो दहन प्रक्रिया देखा जाए जैविक जारण बोली कहा जाए। तो प्राणी मान शरीर में क्यों जारण देखा जा कौन जारण हो ना, आम जो खाद्य जुगिक खाऊे तो से ही खाद्य गुड़िक कौन हो ना, प्राणी मान शरीर में जारण हो जारण होगा फल से शक्ति निर्गत होपर देखा। एथपाई आवश्यक होता एंजाइम गुड़िक क्यों रही, जीवकोष एवं माइटोकॉन्ड्रिया। जो जो एंजाइम गुड़िक आवश्यक होता है से गुड़िक क्यों था, कोष मध्य कोष जीवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया। कोष जीवक क्या कहा जाए, जिते बटा गोटे जब कोष हुए ता भर कौन हुए ना, मझे आम रही न्यूक्लियस एवं यही न्यूक्लियस एवं कोष झिल्ली, यही कोष झिल्ली एवं न्यूक्लियस मध्य जो तरल पदार्थ गुड़िक रही सेगुड़ी हूँ कौन, कोष जीवक। एवं यही कोष जीवक मध्य कौन अच्छी ना, विभिन्न प्रकार अंगिका मान कोष अंगिका मान रही सेहीपरी से मध्यरु माइटोकॉन्ड्रिया हूँ एक कोष अंगिका जहाँकि द्विस्तरीय झिल्ली द्वारा गठित एवं यह कौन ना कोषर शक्ति केन्द्र। कहीं शक्ति केन्द्र, कारण यह कोष मध्य रही शक्ति उत्पन्न करिवार सहायक होता है। एंजाइम सहयोग में कौन हो जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा एटीपी उत्पन्न होता है। कौन हुए ना, जैव रासायनिक प्रक्रिया कौन, जीव मान शरीर में जो प्रकार रासायनिक प्रक्रिया गुड़िक देखा जाए सेगुड़िक कौन ना, जैव रासायनिक प्रक्रिया। तो यही जैव रासायनिक प्रक्रिया कौन हुए, यही एंजाइम मान द्वारा जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा खाद्य गुड़िक सरलीकृत हो कौन हुए ना, एटीपी उत्पन्न हुए। एटीपी कौन, आम शरीर शक्ति मुद्रा। तो जेते बेले गोटे एडीपी थाए, एडीपी रे कौन हुए ना, गोटे फॉस्फेट अणु, एडीपी रे गोटे फॉस्फेट अणु संयोग हुई कहा उपस्थिति रे, शक्ति रे उपस्थिति रे। तो कौन हुए ना, गोटे एटीपी सृष्टि हुई थाए। तो एटीपी तो प्रस्तुत होचे, ताले एटी गोटे तो तीरचिह्न दबा कथा, एटी दी आड़े को तीरचिह्न कौन पे दिखाई। तो यार अर्थ कौन ना, एटीपी टा पुनर्वार एडीपी एवं पीआई बा फॉस्फेट अणु रे विभाजित हो पारिबो। देखो एटीपी जेते बेले विभाजित हुए एडीपी एवं फॉस्फेट अणु सृष्टि करिबो, सेते बेले कौन करिबो ना, 30.5 किलो जूल रो शक्ति निर्गत करे। सेई परी कौन क्यों ठार व्यवहृत हो हमर एटीपी, देखो पेशी रो संकोचन, पृष्ठसार संश्लेषण, स्नायविक आवेग, ए सब कार्य रे एवं शरीर रो अन्य समस्त कार्य रे मध्य एटीपी अणुर व्यवहृत होता है। तो यह समस्त कार्य क्या जो संभव ना, जैविक जारण जो संभव होना, जैविक जारण जो मनुष्य शरीर में कि प्राणी मान शरीर में शक्ति उत्पन्न एवं से ही शक्ति उत्पन्न होगा फल शरीर विभिन्न कार्य लगिपर एवं से ही जारणटी होगापी कौन आवश्यक रही अम्लजान आवश्यक रही एवं से ही अम्लजानटी आम किपर नौचे ना, श्वासक्रिया मध्यम आम से ही अम्लजानटी ग्रहण करुचे। तो से हीपरी आम प्राणी एवं उद्भिद उभय अम्लजान नि, तो तेणु उद्भिद माने किपर नि अम्लजान ना, उद्भिद माने स्टोमाटा मध्यम वायुमंडल रु अम्लजान ग्रहण करती। से हीपरी प्राणी मान शरीर ना विभिन्न प्रकार अंश बा अंगिका गुड़िक रही जो गुड़िक कौन करती ना, श्वासक्रिया करिवारे सहायक करती। तो एबे चलो देखिबा से ही अंग गुड़िक कौन कौन बा मनुष्य शरीर में श्वासक्रिया संपन्न करिवारे सहायक करुथबा अंग मानक विषय जानिबा। जैविक जारण विषय जानिले, तो जैविक जारण होगापी कौन आवश्यक होता है ना, अम्लजान आवश्यक होता है। अम्लजान प्राणी मैंने किपर ग्रहण करते ना, श्वासक्रिया प्रक्रिया मध्यम ग्रहण करते, श्वासक्रिया प्रक्रिया संपन्न होगापी प्राणी मान शरीर में विभिन्न प्रकार अंग गुड़िक अंगिका गुड़िक रही। चलो देखिबा प्रथम मनुष्य शरीर में क्यों क्यों प्रकार अंग गुड़िक रही,
जेगुड़िक कौन करते श्वासक्रिया संपन्न करें सहायक करलोचना करवा। तो प्रथम देखा मनुष्य श्वासतंत्र कौन रही मनुष्य श्वासतंत्र प्रथम भागटे रही नासारंध्र। नासारंध्र केउठा रही आम पार्टी उपर भाग को दुईट रंध्र रही जहाँ कि नासारंध्र बोली कहा जाए। यह नासारंध्र कौन हुए ना यहीटार आम श्वासपथर आरंभ होता है एवं यह नासारंध्र मध्य वायु आम शरीर मध्य प्रवेश करता है। यह कौन उपास्थि द्वारा गठित ना ये उपास्थि पुणी कौन सा आम शरीर हाड़ गुड़िक कौन ना शक्त रही था। नासारंध्र आम जो हाड़ द्वारा गठित सेगुड़िक कौन ना नरम तेणु सेगुड़ी कौन कहा जाए ना उपास्थि बोले कहा जाए। से देखिपार चित्र रे तो नासारंध्र केउठा रही नासारंध्र पार्टी उपर भाग रही आम नासापथर आरंभ होता है श्वासपथर आरंभ होता है। द्वितीय रही नासापथ यह कौन हुए ना श्वासपथर प्रथम भाग यही आम रही कौन ना नासापथ रही कौन आमर श्वासपथर प्रथम भाग यह पछक क्योंटा खुलीजे ना यही नासापथ जो नासापथ रही कौन कर पछक आसिक ग्रसनी मध्य खोली विभिन्न प्रकार श्लैष्मिक झिलीर उपस्थित थाए। तो ये श्लैष्मिक झिली कौन ना आम नाक भितर बहुत प्रकार तरल पदार्थ रही है से हीगुड़ी कौन कह जाए ना श्लैष्मिक झिली कह जाए। एमानकर कार्य कौन ना एमाने जेतेबेला आमे श्वासक्रिया ग्रहण करू सेतेबेला कौन हुए ना वायु मध्य कौन थाए धूलिकणा एवं जीवाणु माने मध्य थांती। तो सेगुड़िक कौन हुए ना से धूलिकणा एवं जीवाणु यही श्लैष्मिक झिली द्वारा कौन होती ना श्लैष्मिक झिली रे लागी जांती जहाँफल वायुटी शुद्ध हो जाए एवं आमे से शुद्ध वायु को ग्रहण करिथाउ। नासारंध्र एवं नासापथ परी मनुष्यर श्वासतंत्र तृतीय अंशटी कौन ना श्वासतंत्र तृतीय अंगटी होची आमर ग्रसनी एवं यह ग्रसनीटी केउठा रही ना यह आमर नासापथर पछपक को रही ग्रसनी। नासापथर शेषरु आरंभ हो श्वासनली और खाद्यनली आरंभ पर्यंत लंबी थाए ग्रसनी। तो ये देखिपुब ये आमर कौन शेष होना नासापथटी शेष होकर आमर श्वासनली आरंभ हो नासापथर आरंभ कर आमर श्वासनली पर्यंत लंबी एवं नासा ग्रसनी और मुख ग्रसनी कौन। तो ग्रसनी पुणी दुई भाग विभक्त पुणी जो अंशटी आम नासापथ पाखे अवस्थित रही कौन कह जाए ना नासा ग्रसनी एवं जो अंशटी मुख गह्वर पाखे रही कौन कह जाए ना मुख ग्रसनी बोली कह जाए। से हीपरी आम ग्रसनी पछ भाग कांथरे एक जोड़ा बा दुईटी टनसिल रही तापर कौन रही देख श्वासनली द्वार को ग्लटिस कह जाए एवं खाद्यनली द्वार को गलेट बोली कह जाए। कहीं आमर जिते बड़े ग्रसनी समाप्ति घटे समाप्ति केउटे घटे ग्रसनी समाप्ति ना ग्रसनी समाप्ति आमर खाद्यनली आरंभ एवं श्वासनली आरंभ पाखे घटी थाए। तो से ही खाद्यनली श्वासनली कौन कह जाए श्वासनली आम ग्लटिस एवं खाद्यनली द्वार को कौन कह जाए गलेट बोली कह जाए। एवं श्वासनली द्वार रे अधिजिह्वा नामक एक परदा रही किंतु खाद्यनली द्वार रे सेमती कौन सी परदा बा कपाटिका न था। ताहले ए अधिजिह्वार काम कौन श्वासनली रे तो जेतेबेले कौन हुए ना आम कौन सी खाद्य ग्रहण करू सेतेबेले कौन हुए ना यही अधिजिह्वा कौन करे ना आम श्वासनली को बंद कर दिए जहाँफल खाद्य कौन हुए आमर खाद्यनली मध्य को प्रवेश कर श्वासनली को प्रवेश करवा परिवर्ते किंतु परवर्ती समय रे कौन हुए जितेबाला आम खाई सारी था खाद्य ग्रहण कर सारी था से कौन हुए श्वासनली खोली जाए था एवं बाठू अधिजिह्वाटा कौन हुए खोली जाए फल सहजरे श्वासक्रिया करिपारु। सेहीपरी एमान मनुष्यर श्वासतंत्र चतुर्थ अंशटी कौन रही ना चतुर्थ अंश रही श्वासनली। यही श्वासनली केउठार आरंभ हो आरंभ रही आमर स्वरपेटिका एवं यही स्वरपेटिका मध्य कौन अच्छी ना बहुत छोट छोट स्वरतंत्री सूताभली तंत्री गुड़िक रही जहाद्वारा कौन हुए जहाँ कंपन रे शब्दर सृष्टि हुए। एवं देख श्वासनली आरंभ में कौन रही आमर स्वरपेटिका रही तो ग्रसनी शेष भागर आम श्वासनली आरंभ हो आरंभ होगा बाटर कौन हुए आरंभ रु रही स्वरपेटिका एवं स्वरपेटिका मध्य विभिन्न प्रकार सरु सरु तंत्री गुड़िक सूतापरी तंत्री गुड़िक रही था जार कंपन कौन हुए ना ध्वनि सृष्टि होता है। से हीपरी देख पर कौन हुए ना श्वासनली दुईटी श्वासनलिकार विभक्त होता है। देख श्वासनली आमर अच्छी
सौरपेटिका परे श्वासनली। श्वासनली कौन हुए ना दुईटी श्वास नलिका रे विभक्त होता है। विभक्त होगा पर कौन हुए ना से मैंने परस्पर पटर फुसफुस मध्य को प्रवेश करी थांती। एवं फुसफुस मध्य को प्रवेश करबा परे एगुडी को कौन हुए ना पुनर्बार विभक्त होई सूक्ष्म श्वास नलिका रे विभक्त होई थांती। एवं सूक्ष्म श्वास नलिका रे विभक्त होबा परे ए माने कोन करंती ना वायुर छोटो छोटो कोठरी बा कोटरिका मध्य रे खोली थांती। तो एगुडी को किपरि होई थाए ना फुसफुस मध्य रे जते बेले तुम माने देखिबो ना एही परि किछि अंश रही थाए आहा को कोन कह जाय आहा को कोठरी बा कोटरिका बोली कह जाय। एवं एही सूक्ष्म श्वास नलिका गुड़िक आसी एही कोटरी कोठरी बा कोटरिका मध्य रे खोली थांती। सही परी मनुष्यर श्वासतंत्र शेष अंशटी कौन रही ना शेष अंशटी आमर फुसफुस रही क्योंठे अवस्थित बक्ष गह्वर मध्य रही थाए आमर दुईटी फुसफुस जहाँ कि कौन कह जाए ना दक्षिण पटे फुसफुस को दक्षिण फुसफुस एवं बाम पटे फुसफुस को बाम फुसफुस बोली कहा जाए। एवं एही फुसफुस ना देखिबाकु बा धरबाकु स्पंज परि नरम होइथाय। एवं एगुडी कोन होइथाय ना एगुडी को एक पतला आवरण द्वारा आबद्ध होइ रहिथान्ति जहाकु कि फुसफुस आवरण बोली कुहा जाय। एगुडी को कोन पतला आवरण द्वारा सुवा फुसफुस आवरण द्वारा आवृत होइ रहिथान्ति। सेही परि कोन हुए ना फुसफुस धमनी द्वारा कोन हुए ना हृत्पिंडरु अंगारकाम्ल युक्त रक्त फुसफुस को आसी थाए माने एटि कौन हम ना शरीर मध्य अम्लजान युक्त रक्त व्यवहृत होती कौन हुए ना अंगारकाम्ल मात्रा बढ़ी जाए। तो से गुड़िक कौन हुए ना अंगारकाम्ल युक्त रक्त सबू शरीर आसी क्यों संचित होता है हृत्पिंड संचित होता है। हृत्पिंड संचित होगा पर कौन हुए ना फुसफुस धमनी द्वारा हृत्पिंड अंगारकाम्ल युक्त रक्त फुसफुस को जाए। फुसफुस को जीवापर कौन हुए सेठार विसरण प्रक्रिया द्वारा रक्तर अंगारकाम्ल बाहर को जाए अम्लजान प्रवेश करगुड़िक अम्लजान युक्त रक्त में परिणत होता परिणत होगा पर कौन हुए ना फुसफुस शिरा दे क्यों से पुनर्बार हृत्पिंड को चली आसी था। पुनर्बार कौन हुए हृत्पिंड को आसवा पर हृत्पिंड से ही अम्लजान युक्त रक्त को पुनर्बार शरीर मध्य पठाई थाए। तो यह आमर मनुष्य शरीर होता जैविक जारण एवं मनुष्यर श्वासतंत्र विषय जदि यही वीडियो रे तुम मानकर किछ डाउट रहुचि ताहाले तुम्हें मते कमेंट सेक्शन में जणाई परिबो मो परवर्ती वीडियो मानकर से डाउट गुडियो क्लियर करबाकू चेष्टा करबी। धन्यवाद।